में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक हाउसवाइफ, एक मॉम और एक यूट्यूबर, ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे मैनेज करती हूँ एक ही दिन में। अभी सुबह के टाइम है, ये है मेरी चाय और बिस्किट। तो मैं ब्लैक टी लेती हूँ, ये मेरी फेवरेट कॉम्बिनेशन है, चाय बिस्किट। ये मेरी पूरे दिन की जो है एनर्जी देती है। अभी सुबह के टाइम मैं चाय और बिस्किट खा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड एक्चुअली है वो कैमरे के सामने नहीं आएंगे। हम दोनों जस्ट चाय पीते हैं, वो पेपर पढ़ते रहते हैं और मैं जस्ट चाय पीती हूँ और बातें करते रहती हूँ। उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही हूँ, कि ये मैं एकदम सुबह कर लेती हूँ ताकि मेरा कपड़े जो है वो सूख जाए बहुत ही ज़्यादा जल्दी। यहाँ पे मैं कपड़े डाल चुकी हूँ, अब मैं जो है प्रोग्राम को ऑन कर रही हूँ। अभी मेरा कपड़े जो है वॉश होना शुरू हो गए। चलो, वॉशिंग का काम तो फिनिश, मतलब मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्ट मशीन में कपड़े डाल देना वो हो गई है। इसके बाद मैं सीधे चली आती हूँ मेरी किचन में। किचन को थोड़ा बहुत मैं क्लीन कर लेती हूँ सुबह सुबह, एकदम सिंक और जो भी, मतलब रात भर अगर कुछ भी गंदगी रहे तो वो एकदम सुबह मैं क्लीन करके फिर जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट में एक एक दिन एक एक तरह का होता है। किचन आप देख पा रहे हो क्लीन है, और ये मेरे ब्रेकफास्ट। आज मैंने सिंपल सा चाउमीन बनाया है, ये बंगाली स्टाइल चाउमीन है। यहाँ पे ना कोई सॉस है ना कुछ है, हाँ वेजीज नहीं है क्योंकि नहीं थी, इसलिए मैंने ओनली गार्लिक और अनियन देके बनाया है। और ये है मेरी बेटी जो अभी सोई हुई है अपने डॉल्स के साथ, वो बोलती है ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी बोलती है। इसको मैं उठा रही हूँ, ये उठ चुकी है पर नहीं उठना चाहती है। उसको उठा के फ्रेश करवा के मैं उसको बैठा दी हूँ हैंड राइटिंग में। ये हैंड राइटिंग कोर्स कर रही है एक, जो इसी महीने लास्ट है, तो अभी ज़ोर शोर से ये प्रैक्टिस चल रही है और देख रही है मम्मी क्या कर रही है। ये मैं किचन में आ चुकी हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू गोभी मैं फ्राई कर चुकी हूँ, इसको मसाले के साथ अच्छे से मिला चुकी हूँ एंड पानी डाल के इसको बॉयल होने दी हूँ ढक के। और पास में जो है चावल थी, और यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स मैं धो के जो है सूखा चुकी हूँ। एक्चुअली कल रात को मेरे हस्बैंड लाए थे, फ्रेश वेजिटेबल्स था। यहाँ पे मैं एक हिंदी चैनल के लिए शूट कर रही हूँ, कौन सी वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों को तो पता चल ही गया है। ये मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद मैं ये शूट कर रही हूँ। आप देख पा रहे हो। करती हूँ क्योंकि नहाने के टाइम मैं शैम्पू कर लेती हूँ और फिर मैं बाल थोड़ा सा सूख जाए फिर मैं ऑयलिंग इस तरह से शूट करती हूँ, और इसके बाद इसको मैं एडिटिंग करूँगी और फिर जाके करूँगी अपना लंच। अभी शाम हो चुकी है और आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, सनसेट का टाइम है। मैं अपने पीछे के बैल्कनी में खड़ी हूँ और ये व्यू एंजॉय कर रही हूँ। और अभी हम लोग नीचे गए थे, मैं वॉकिंग करती हूँ और मेरी बेटी जो है खेलती है। अभी हम लोग लिफ्ट में हैं और हमारे फ्लोर अभी आने वाले हैं। हम लोग जो है अपने फ्लोर पे अभी पहुँच चुके हैं। लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी फ्लोर पहुँच चुके हैं और ये है मेरी मतलब मेरी फ्लोर का कॉरिडोर, आप देख पा रहे हो। हमारे कॉरिडोर में ज़्यादा लोग नहीं हैं हमारे मतलब फ्लोर में, और ये है मेरी जो देख पा रहे हो आप। अभी हम लोग दरवाज़ा खोलेंगे और अंदर जाएंगे। आने के बाद बंगाली ब्लॉग चैनल के लिए मुझे एक वीडियो शूट करना था जो मेरी बेटी के साथ होगा, इसलिए मेरी बेटी जो है थोड़ा बहुत तैयार हो रही है, मतलब बाल तो मैंने बना दिया है बट उसको कॉम्बिंग कर रही है और काफ़ी फनी लग रही है। जिन लोगों ने बोलते हैं कि मैं ठीक से कॉम्बिंग नहीं करती हूँ तो देख लीजिए मेरी बेटी जिस तरह से कॉम्बिंग करती है, बहुत ही फनी लग रहा है मेरी बेटी।
तो अभी एक्चुअली इसके बाद मैं एक बंगाली ब्लॉग चैनल के लिए एक वीडियो शूट करूँगी। मेरी बेटी उस मेरे साथ रहेगी उस वीडियो में, मतलब ब्लॉग में। सो आप लोग देखते रहिए। तो अभी जो है मैं और मेरी बेटी ब्लॉग शूट करने के बाद चाय पी रहे हैं। सो और टीवी देख रहे हैं साथ में। तो अभी हम लोग चाय और सिंपल सा बिस्किट लिया है। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाए, फिर हम तीनों मिलके जो है थोड़ा सा बाहर जाएंगे, कुछ डेली यूज़ के सामान जो है ख़रीदारी करनी है। तो अब मेरे हस्बैंड आ जाए, फिर हम निकलेंगे और आप लोगों को साथ ले चलेंगे। हम लोग जो है अभी मार्केट पहुंच चुके हैं, कुछ डेली यूज़ के सामान जो है ख़रीदारी करनी थी। सो अभी ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये एक्चुअली शॉपिंग मॉल है, यहाँ का वन एंड ओनली शॉपिंग मॉल। इसके अंदर जो है एक मूवी थिएटर भी है। सो कभी कभी हम लोग मूवी भी देखने जाते हैं। और मेरी इस चैनल में मूवी थिएटर के कुछ ब्लॉग्स है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। और आज मैंने डिनर पे बना है पालक पनीर। और मैं एक पनीर को इस तरह से तोड़ के देखती हूँ कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, क्योंकि मेरी बेटी एकदम जो हार्ड हो जाती है ना पनीर, क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, खाना नहीं चाहती है। सो बस सिंपल पनीर, पालक पनीर बनाई हूँ और साथ में रोटी, सिंपल सा डिनर। तो आफ्टर डिनर मैं ऐसे बैल्कनी में खड़ी हूँ। तो ये रही मेरी पूरी आज के दिन, मैं आप लोगों के साथ शेयर की है, एक हाउसवाइफ, एक मॉम होने के बाद और एक यूट्यूबर। मैं इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ और निभाने की कोशिश करती हूँ। तो इसके बाद एक्चुअली मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ, बीच बीच में एडिटिंग करते रहती हूँ, लेकिन इसके बाद जो है मैं रात को सोने से पहले हर रोज़ जो है वीडियो थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट डे पोस्ट कर पाऊँ, कोशिश करती हूँ। अभी मेरी आज की जो इस ब्लॉग को मैं ही ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, टेक